I would like to invite our next eminent speaker, Dr. Mohit Gupta, sir. He is presently working as professor of cardiology in GB Pant Hospital. Now, great achievement I am going to share with all of you about, sir. It is an immense pleasure that we have a great speaker who has more than 18 gold medals and 5 silver medals in his medical journey. No, achievement it is not completed about, sir. He has been awarded with prestigious award with Agra Ratna by Honorable Chief Minister of Delhi for his distinguished medical and social services for the society, which is a very commendable thing about, sir. Please once again, big round of applause for Dr. Mohit Gupta, sir. Besides intervention cardiology, sir has extensive interest in genetic engineering. He has a strong belief in Brahma Kumari's spiritual world since his childhood. I request sir to please come upon the stage for his valuable thoughts. So ladies and gentlemen, please welcome sir with the thunderous sound of clapping. May I have the presentation, please? Very good afternoon to all of you. Awaaz nahi aayi. Good afternoon. Haan, ab awaaz aayi. Aise hi ek samay ki baat hai ki ek class chal rahi thi. Can I have the presentation, please? Yeah. To class chalte chalte सभी बच्चे सुन रहे थे, कभी मन इधर उधर जा रहा था. तो टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों एक बात बताओ, सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है? तो सभी बच्चे शक्ल देखने लगे. तो पीछे बैठे एक बच्चे ने अपना हाथ उठाया और बोला कि सर मैं बताऊं? तो उसने कहा हाँ बताओ. तो उसने कहा आप कुछ कहिएगा मत. उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा. तो उसने कहा मास्टर जी आप बोल रहे हो ये सत्य और हम सुन रहे हैं ये आपका भ्रम है. तो अच्छा ताली क्यों बजाई आपने ये तो बताओ. ऐसा तो नहीं होगा ना पक्का, है ना? तो अभी मैं अपने भाई गिरीश भाई से बात कर ही रहा था और जब मैं एंटर किया तो मुझे हमारे जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि भाई दिल के डॉक्टर आए हैं. तो बातें सही हैं कि दिल के डॉक्टर हैं तो दिल की बातें होनी चाहिए. कम से कम दिल की बातें ना भी हों तो कुछ बातें ऐसी ज़रूर हों जो हमारे दिल को छू ज़रूर जाए, है ना? तो ऐसी बातें ज़रूर होनी चाहिए. आज का जो थीम सेशन है वो है साइंटिफिक मेडिटेशन एंड स्ट्रेस कोपिंग. हम मेडिटेट करना चाहते हैं, उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है? आप एज स्टूडेंट्स, वी एज प्रोफेसर्स या हर व्यक्ति अपने लेवल पर मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में क्यों अपनाएं? पहला क्वेश्चन ये. और दूसरा, हम अपनी ज़िंदगी में क्या छोटे छोटे परिवर्तन ला सकते हैं? व्हाट आर द स्मॉल चेंजेस इन आवर लाइफ दैट वी कैन ब्रिंग जो हमारे तनाव को, जो हमारे जीवन का आज अभिन्न अंग बन गया है, जिसको हम कहते हैं तनाव के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, उसको हम कैसे कम करें? तो ये यात्रा बहुत लंबी है, समय बहुत छोटा है. तो यात्रा जब लंबी हो और समय छोटा हो तो चल के जाना चाहिए, उड़ के जाना चाहिए, बताइए? तो उड़ना पड़ेगा हमें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और उड़ने के लिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता है जो मैं एक बहुत सुंदर बात से आपके समक्ष स्पष्ट करूँगा. एक बारी की बात है कि एक यंग लड़का था, वो बहुत अच्छी तीरंदाजी करता था. करते करते वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बना. तो उसे अपने ऊपर अभिमान आने लगा, ही वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. तो उसे किसी व्यक्ति ने कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया है, तुम्हें इतना अभिमान है, तो ऐसा करो गांव के कोने के अंदर एक और बुज़ुर्ग व्यक्ति है, उसको हरा कर दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो. तो उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मैं इजीली कर सकता हूँ. उस बूढ़े व्यक्ति को जाकर उसने चैलेंज किया और बोला कि आई चैलेंज यू इन द गेम ऑफ बो एंड एरो. तो उसने कहा बेटा मुझे हरा कर क्या करोगे, मैं तो बुज़ुर्ग हो चुका हूँ. उसने कहा नहीं, लोग कहते हैं जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ बनूंगा. तो उसने कहा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. खुले मैदान में आए, आपके जैसा ही यंग व्यक्ति था,
और उस यंग लड़के ने सामने दीवार पर एक एक्यूरेट तीर का निशाना लगाया, एक और तीर लिया और उस पुराने निशाने को भेदते हुए फिर उसने एक्यूरेट निशाना उधर लगाया और उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसने भी अपने दो तीर निकाले और उससे आधे समय में वो करके दिखा दिया और उससे कहा कि बेटा जो तुमने कहा वो मैंने किया, लेकिन अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, आओ मेरे पीछे। वो उसको गांव के कोने के अंदर, दो पहाड़ थे, हज़ारों फीट गहरी खाई थी और बीच में एक पतली सी पगडंडी जा रही थी, उस पर उसे वो ले गया और वहाँ ले जाकर उससे बीच में जब वो जा रहा था, लड़के के माथे पर पसीने कि हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी, आप मुझे कहाँ खाई के ऊपर लेकर जा रहे हो। तो उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे आगे मैं हूँ, तुम चलो मेरे पीछे। दो पहाड़ों के बीच में आकर वो खड़े हो गए और उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपने निश्चिंत हाथों से अपना तीर निकाला और सामने एक जगह एक्यूरेट निशाने पर लगाया दो पेड़ों के बीच में और उस यंग लड़के से बोला कि क्या तुम ऐसा करके दिखा सकते हो। तो उस यंग लड़के के हाथ जो हैं वो बुरी तरह कांपने लगे। उसने जैसे तैसे अपना तीर निकाला, माथे पर पसीना था, उसने अपना पसीना पोंछा और सामने निशाना साधने की कोशिश की और जैसे ही तीर छोड़ा वो तीर निशाने पर तो दूर की बात है, वो आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा। तो उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए, वो उस बूढ़े व्यक्ति के चरणों में गिरा और बोला कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सत्य में तो देखा जाए कि आप ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं तीरंदाजी में। तो ध्यान से सुनिए, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे उठाया और गले से लगाकर बोला कि बेटा तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो, लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की क्षमता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। तभी जरा भी परिस्थिति विकट हुई, जरा भी परिस्थिति कठिन हुई तो तुम्हारा निशाना क्या होता है, क्या होता है, चूक जाता है। तो यदि तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पहले तुम्हें किस पर कंट्रोल करना पड़ेगा बताइए, अपने माइंड पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट इज वाई किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब हमारा मन कमजोर होता है, जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है, जब हमारा मन स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का, एक चुनौती का रूप ले लेती है, लेकिन जब हमारा मन सशक्त होता है, व्हेन आवर माइंड इज पावरफुल एंड एम्पावर्ड, तो परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती है। तो अगर आप अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपनी प्रैक्टिकल जीवन के अंदर यदि आप सक्सेस चाहते हैं, अपनी लाइफ को खुशनुमा चाहते हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबली खुशी से जीना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले किसको मित्र बनाना पड़ेगा बताइए, अपने माइंड को करना पड़ेगा। एंड इट इज ऑल अ गेम ऑफ अवर माइंड। लेकिन आज क्या होता है, आज हम सवेरे से लेकर शाम तक भागते रहते हैं, आज हमारी ज़िंदगी ऐसा लगता है बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ सवेरे एक्सीलेटर दबता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ करना है। जीवन में अनसर्टेनिटीज हैं, जीवन में चैलेंजेस हैं, हम हर फील्ड में आगे जाते हैं, जब एक चैलेंज को हम पार करते हैं तो हमारे सामने एक और चैलेंज आकर खड़ा हो जाता है। तो आज क्या हम यहाँ से जाएं तो केवल सुनना चाहेंगे या बनकर जाना चाहेंगे बताइए, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुनना इम्पोर्टेंट है या बनना इम्पोर्टेंट है बताइए, बनना इम्पोर्टेंट है। जब बनना इम्पोर्टेंट है तो बनने के लिए हमें परिवर्तन कहाँ पर लाना पड़ेगा, अपने माइंड में लाना पड़ेगा, यानी अपने मन के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब अगले 20 मिनट के लिए अपने मन के मोबाइल को ऑन कर लें और अपने नॉर्मल मोबाइल के फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया जो पूरे दिन चलता रहता है, उसको केवल 10, 15, 20 मिनट के लिए आप शांति से बंद कर सकते हैं। इस पिक्चर को देख रहे हैं आप, सभी लोगों को दिख रही है, इस पिक्चर को देख के क्या ध्यान आता है, वर्ड एक एक वर्ड बताइए, व्हाट डज, व्हाट कम्स टू योर माइंड आफ्टर सीइंग और विजुलाइजिंग दिस पिक्चर, वन वर्ड,
clutter, beautiful word, clutter. Disorganized? Confusion? Agreed or not? Or bataiye piche se anybody? Mismanaged, beautiful word. Or kuch? Yes, yes. Messy, messy is a beautiful word. Or kuch? Isko dekhkar kya lagta hai? आपके पास एक बढ़िया सा iPhone है जो कि साइलेंट हो गया है. आपके पास बेस्ट पॉसिबल चॉइस ऑफ ड्रेस है. आपके पास आपका फेवरेट पर्स है. अगर आप इसमें से निकालना चाहें निकाल पाएंगे? मुश्किल लगेगी? इजी और डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि ये डिसऑर्गेनाइज्ड है. इस रूम की सिचुएशन पता है किससे रिजेंबल करती है? अच्छा, आपके माइंड से करती है. हाँ, पक्का? हाँ, तो इस माइंड को किसी व्यक्ति ने बोला था क्लटर है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें डी क्लटर. डिसऑर्गेनाइज है तो रीऑर्गेनाइज. मेसी है तो उसको हमें डी मेस करना पड़ेगा. करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जब हम समान सब कुछ है, फैसिलिटीज सब कुछ हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लैकिंग है. और यही आज हमारी साइंस की हालत है. वी आर हैविंग न्यू एडवांस रिसर्च एंड मॉलिक्यूल्स. हमारे पास नई नई दवाइयां हैं, लेकिन आज बीमारी उससे भी तेज प्रपोर्शन से बढ़ती जा रही है. आज हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं. आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो आई डोंट थिंक वी एवर ड्रीम्ड ऑफ अ मोबाइल और अ सिस्टम लाइक लैपटॉप जिसको हम पूरे वर्ल्ड में आराम से कैरी करेंगे. लेकिन आज इतना एडवांस हो चुका है कि हम यहाँ बैठे एक सेकंड में किसी भी व्यक्ति से कहीं पर भी बात कर सकते हैं. लेकिन आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने आप से भी 2 मिनट बात कर सकें, अपने परिवार वालों से भी हम लोग बात कर सकें. और परिवार वालों के साथ भी कम्युनिकेशन चलता है, तो मदर फादर एक कमरे में हैं, बच्चे एक कमरे में हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में कम्युनियन होता है. किसके द्वारा? मैसेज और व्हाट्सएप के द्वारा. ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ थिंकिंग आज हो चुकी है. तो कन्वीनियंसेस या सामान सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ हमने बटोर लिया. वी हैव एवरीथिंग मेटेरियलिस्टिक विद अस, और करते हुए वी हैव एवरीथिंग विद अस. लेकिन आज जीवन में उसको इंजॉय करने के लिए समय नहीं है. मेडिसिंस हैं, वेलनेस नहीं है. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया में ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है. बट इट इज़ नॉट ओनली वार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज़ ऑल्सो वार्मिंग ऑफ अवर एटीट्यूड्स एंड वार्मिंग ऑफ अवर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. जो मन हमारा कूल होना चाहिए था और हृदय हमारा वार्म होना चाहिए था, आज हमारा मन वार्म यानी गर्म हो चुका है और हमारा हृदय आज ठंडा हो चुका है. दूसरे के लिए प्यार, दूसरे के लिए कंपैशन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है. एग्रीड और नॉट? बताइए. तो क्या करना पड़ेगा बताइए? चेंज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? हाँ, कॉम्प्लिकेट हो गया मामला, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड. रिसोर्सेज हैं, डेवलपमेंट है, वी हैव एवरीथिंग. लेकिन उस सामान को बटोरते हुए, उस एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए, कहीं ना कहीं वी हैव लॉस्ट कनेक्शन विद अवर ओन इटर्नल सेल्फ. हमने अपने आप से अपना संबंध छोड़ दिया उस होड़ के अंदर, उस साइंटिफिक रेस के अंदर. जो हमारे जीवन का सुख और चैन था, हमारे मन की शांति थी, उसको हम करोड़ों मील पीछे छोड़कर चले गए हैं. एक बहुत पुरानी कहावत जो हमने बचपन में पढ़ी थी, बिल्कुल जब हम स्कूल में होते थे, कि साइंस इज ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज लेम विदाउट साइंस. ये कहावत आज प्रैक्टिकली बिल्कुल ट्रू होल्ड करती है, क्योंकि साइंस एक अलग रेस में जा रहा है और आध्यात्मिकता एक अलग रेस में जा रही है. और हम लोग भूल जाते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के संगम ही एक हमारे जीवन को उन्नति दे सकता है. कभी आपने देखा कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट? जो डॉक्टर साहब अभी आपको सुंदर एक्सपेरिमेंट्स बता रहे थे कि वो डिस्को थीक के अंदर साइंस चल रही हो, उसके लिए हमें साइलेंस की पावर, मन का साइलेंस और एटमॉस्फेरिक साइलेंस दोनों चाहिए होता है. तो आज हम अपने जीवन की जब इस सच्चाई को जान गए हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि हम परिवर्तन को भी जरूर करें. करना चाहिए नहीं करना चाहिए बच्चों, बताओ?
करना चाहिए, नेचुरली करना चाहिए, क्योंकि आज का संसार ऐसा है कि चेंजेस इन द लाइफ कैन बी सडन. कभी भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है. आपने देखा एक अनाउंसमेंट लास्ट ईयर नवंबर के अंदर हुई और पूरा देश जो है वो लाइनों के अंदर आ गया, पूरा देश. केवल एक दिन एक घंटे का एपिसोड, एक सेकंड, विदाउट एंटिसिपेटिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मोमेंट, वी आर नॉट अवेयर. सो आर वी रियली रेडी फॉर द सीक्रेसी एंड सडननेस ऑफ चेंज इन अवर लाइफ. आज हमने जीवन को एक ऐसी भौतिक रेस के पीछे बना लिया है कि हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है, और ऐसा लगता है कि इस जंग को हमें जीतकर वापस जाना है. इस रेस के अंदर हम कहीं ना कहीं कनेक्शन को छोड़ गए हैं, अपने आप को ही हम लोग भूल गए हैं. किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अजीब मुकाम पर आकर ठहरा है ये काफिला जिंदगी का, अजीब मुकाम पर ठहरा है ये काफिला जिंदगी का, कि रातों की नींद ही आज हम लोग गवा बैठे हैं. तो आज आप देखो कि आज बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपनी जिंदगी में इस सुकून और चैन को वापस ढूंढें. हमारे जीवन की दूसरी सच्चाई कि हमारे बैंक के अंदर उस समय पैसा था, सब कुछ था, लेकिन बैंक से हम लोग पैसा नहीं निकाल पाते थे. क्यों? क्योंकि हमारे हाथ बांध दिए थे. तो बैंक का पैसा तो हम लोग मैनेज फिर भी कर लेते हैं, लेकिन कभी हमने अपने जीवन के कर्मों का बैंक, उसके बारे में हमने कभी सोचा? क्योंकि जब मानव इस दुनिया से जाता है तो वो अपने साथ अपनी भौतिक चीज़ें, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना पैसा, अपना कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता. इट इज़ इम्पॉसिबल. वो ले जा सकता है अपने साथ अपने किए हुए अच्छे कर्म, अपने अच्छे संस्कार, जो उसकी आत्मा अपने साथ भरकर ले जाती है. तो पूरे दिन क्या हम केवल सोशल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सामान ही इकट्ठा करते हैं, या जब हम यहाँ से जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी में दुआओं का खजाना भी हम लोग अपने घर में लेकर जाते हैं? सोचना पड़ेगा. आज हमको अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव करना पड़ेगा. अगर हम अपने जीवन में भौतिक चीज़ों के साथ साथ अपने मन की कमाई, अपने मन को भी सकारात्मक बनाकर, पॉजिटिव बनाकर, अपने मन के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर स्पॉन्टेनियसली खुशी और शांति आ जाती है. क्यों? क्योंकि पैसा और भौतिकता हमारे जीवन में हमको खुशी और शांति नहीं दे सकता. तो आज कुछ समय हमारे पास है, तो मैं आज आपके सामने कुछ यूनिक पावर्स ऑफ माइंड रखूंगा. ऐसी पावर्स ऑफ माइंड जो एक एक व्यक्ति यहां पर बैठा है उसके पास वो शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को हम यूज नहीं करते. और उन शक्तियों की साइंटिफिक एविडेंस क्या है, किस तरह साइंस ने उस साइंटिफिक एविडेंस को आज यूज किया और उसको अपने जीवन में लिया, वो अगर हम उन चीजों को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो आप देखेंगे आपका माइंड जो है वो आपका मित्र बनकर आपको एक श्रेष्ठता के मार्ग पर, एक परिवर्तन के मार्ग पर अग्रसर कर देगा. व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिटेशन और योगा, द की वर्ड इज इन इज द वे आउट. अगर हमको परिवर्तन लेना है तो वो हमें अपने अंदर जाकर करना पड़ेगा. एक बारी एक हथौड़े और चाबी में लड़ाई हुई, तो हथौड़ा चाबी से बोलता है कि मेरे अंदर तुमसे कई गुना ज़्यादा शक्ति है, मैं इस ताले को खोलना चाहता हूँ, लेकिन इस ताले को मैं खोल नहीं पाता. तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है जो तुम एक सेकेंड में इस ताले को खोल देती हो? तो चाबी ने मुस्कुराते हुए उससे बोला कि भैया, तुम अपनी सारी शक्ति का उपयोग बाहर से करते हो, मैं उस ताले के अंदर जाती हूँ और सही जगह पर थोड़ी सी एनर्जी लगाती हूँ और वो ताला क्या होता है, खुल जाता है. तो अगर हमको अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करना है, अगर आप रिसर्चर बनना चाहें, आई एम साइंटिस्ट बनना चाहें, आप कुछ भी बनना चाहें, डज नॉट मैटर, लेकिन चाबी कहाँ पर लगानी पड़ेगी? मन की चाबी, मन की चाबी हमें लगानी पड़ेगी. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उस पावर्स को हम लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर समझें. दे आर ब्यूटिफुल पावर्स ऑफ माइंड. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पावर ऑफ माइंड इज़
पावर टू एक्सपीरियंस. हमारे मन के पास इतनी शक्ति है कि हम जो अनुभव, जैसा अनुभव और जिस मात्रा में अनुभव करना चाहें वो अनुभव हम लोग कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट करेंगे सभी लोग? यस और नो बताइए. पीछे वाले भी करेंगे मेरे दोस्त? हाँ. मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखूंगा. केवल 15 मिनट और बचे हैं. हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड क्विक आंसर्स मुझे दीजिएगा. शाम को आप घर में बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मम्मी डैडी की वेट कर रहे हैं, मम्मी डैडी बैठे हुए हैं बच्चों की वेट कर रहे हैं. 4-5 बज चुके हैं. 5 बजे नॉर्मली आपके पापा घर पर आ जाते हैं या बच्चों मदर फादर के बच्चे घर पर आ जाते हैं ट्यूशन के बाद. उस दिन 6 बज गए, आप मोबाइल फ़ोन लगा रहे हैं, आपके बच्चे का या हस्बैंड का मोबाइल फ़ोन नहीं लग रहा. आप ट्राई कर रहे हैं, एयर कंडीशन घर है, सामने आपका टेलीविज़न बढ़िया चल रहा है, यू हैव बेस्ट फैसिलिटीज़. 6:30 बज जाते हैं, आपके मन में क्या फीलिंग आएगी? फटाफट बताइए. चिंता आएगी या नहीं आएगी? अच्छा ये बताइए, पॉजिटिव फीलिंग आएगी या नेगेटिव फीलिंग आएगी? नेगेटिव आएगी. नेगेटिव में भी 6:30 की जगह 7 बज जाते हैं, आप फोन लगा रहे हैं, अनरीचेबल या स्विच्ड ऑफ जा रहा है, अब और क्या फीलिंग आएगी? कहीं कुछ हो ना गया हो. एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर है, आपका जो कुक है वो आपके लिए बढ़िया सी आपकी फेवरेट डिश बनाकर सामने लाता है. भूख लगेगी या नहीं लगेगी? टेलीविजन पे फेवरेट सीरियल आ रहा है. 7:30 बजे का टाइम है, आपका जो व्यक्ति जिसको आना था वो आया नहीं है. देखने का मन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा. 7:45 बज गए, माथे पर पसीने आएंगे या नहीं आएंगे? टेम्परेचर 18-19 डिग्री, एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर, लेकिन माथे पर पसीने, भूख लग रही है लेकिन खाने का मन नहीं हो रहा, टेलीविजन सामने चल रहा है, मेरा फेवरेट सीरियल जिसको मैं कभी छोड़ता नहीं था उसको भी मेरा देखने का मन नहीं कर रहा. वी हैव क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ फियर इन आवर माइंड विद इन फ्यू आवर्स. 8 बजे सडनली आपके घर पे टिंग टोंग घंटी बजती है और जिस व्यक्ति ने आना था वो आपके सामने खड़ा हुआ है. क्या होता है? रिलीज फिनोमेना होता है या नहीं होता? वो फियर सारा का सारा गायब हो जाता है और एकदम आते ही जो गुस्सा वुस्सा जो होगा वो चीज़ें बात की हैं, लेकिन वो इमोशनल आउटबर्स्ट अलग होता है. 3 घंटे का गेम था. माइंड की पावर. एटमॉस्फियर बाहर का ठंडा है, बेस्ट सीरियल बेस्ट खाने की चीज़ है, लेकिन उस ठंडे एटमॉस्फियर में भी माइंड के अंदर इतनी पावर थी कि उसने आपके माथे पर क्या ला दिए? पसीने ला दिए. द पावर ऑफ माइंड, इट कैन एक्सपीरियंस एनीथिंग दैट यू वॉन्ट इन द वर्ल्ड. अगर आप अपने मन के अंदर खुशी अनुभव करना चाहते हैं तो खुशी बाहर का फिनोमेना नहीं होता, हैप्पीनेस इज एन इनसाइड फिनोमेना. पेन एंड सोरो इज एक्सपीरियंस्ड इनसाइड, हैप्पीनेस एंड जॉय इज एक्सपीरियंस्ड इनसाइड. एवरीथिंग दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग टूडे इज वॉट इज गोइंग ऑन हेयर. हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? तो अगर हम अपने जीवन के अंदर, हमारे पास चॉइस थी, हो सकता था कि कुछ और होता, हो सकता था कि हम ये सोचते, हो सकता है मोबाइल फोन बंद हो गया हो, लेकिन हमारा माइंड आज इतना ट्यून्ड है कि इन एवरी सिचुएशन इट विल स्टार्ट थिंकिंग फर्स्ट इन व्हाट वे? अ नेगेटिव वे. In a negative way. Why? Because we have feeded our mind that every situation until and unless proved otherwise is going to happen in a negative way. Change karna chahiye consciousness ko, nahi karna chahiye? Bataiye. Karna chahiye, nahi karna chahiye? Karna chahiye. That is most important. Paramatma pehli cheez aakar ye batata hai ki agar apne jeevan mein stress coping skills ko badhana chahte ho तो दूसरे व्यक्ति को चेंज मत करो. किसको चेंज करो? सबसे पहले अपने आप को चेंज कर दो. अगर मैं पूछूं कि हु वॉन्ट्स टू चेंज, हु वॉन्ट्स अ चेंज इन दिस वर्ल्ड, एवरीबडी विल रेज दिस देयर हैंड. लेकिन अगर क्वेश्चन का सेंटेंस ये चेंज कर दिया जाए, हु वॉन्ट्स टू चेंज, तो क्वेश्चन के बाद हाथ नीचे आ जाते हैं. तो यदि हम अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें कुछ नया सोचना भी पड़ेगा. एवरी डे यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स, द रिजल्ट्स आर नेवर गोइंग टू बी डिफरेंट. अगर सेम थॉट प्रोसेस हमारा रहेगा तो रिजल्ट्स भी हमारे सेम ही
आएंगे. दिस इज अ क्लियर फिनोमेना. तो आज दो दिन के लिए एक एक्सरसाइज लेकर जाएं सभी लोग. तो मैं बताऊं, आज दो दिन के लिए, दो महीने के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए भी नहीं, लेकिन आज सेशन के बाद हम दो दिन के लिए एक चॉइस लेकर जाते हैं विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट वी थिंक वी बिकम. जो हम सोचते हैं वो हम एक्सपीरियंस करके वैसा बन जाते हैं. तो आज हम दो दिन के लिए एक चीज लेंगे कि हमारी थिंकिंग कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव. कौन कौन कहता है थोड़ी नेगेटिव थोड़ी पॉजिटिव? कौन कौन कहता है पॉजिटिव? तो बाकी लोग क्या है, बीच वाले हैं? हाँ, क्यों क्यों, सच बताइए. हाँ, एक दिन के लिए ट्राई करिए. जस्ट यूज दिस थिंग फॉर ओनली वन डे एंड यू सी द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. आपके जीवन का जो अप्रोच, केवल बैठने के लिए मत आओ कॉलेज, केवल सुनने के लिए, डिग्री लेने के लिए मत आओ कॉलेज. आज अगर यहां पर आप आए हो, बैठे हो, यू आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एंड डिफरेंस इन लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद होम यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट. यू आर हेयर इन दिस वर्ल्ड टू क्रिएट अ पावरफुल इंपैक्ट ऑन द यूनिवर्स. इतनी इंपॉर्टेंस आप एक एक आत्मा की है. दिस इज द एनर्जी दैट यू ऑल पीपल आर बेस्टोड विथ. व्हाई? बिकॉज एवरी नोबल थॉट, एवरी पॉजिटिव थॉट इज ब्लेस्ड टू सक्सीड. अगर आपके अंदर मन की शक्ति है तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी. सेकेंड पावर ऑफ द माइंड, द पावर टू क्रिएट, द पावर टू क्रिएट. हम जो भी अपने लिए रचना चाहें, Whatever we want to create, we can create that thing in the world. आपको एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूँ. आपने बास्केटबॉल का गेम देखा होगा जो US में बहुत कॉमनली खेला जाता है. जानते हैं ना आप लोग, काफ़ी लोग, NBA के नाम से एक एसोसिएशन है. सो वॉट दिस वॉज एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट बाय डॉक्टर रिचर्डसन. ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट. इन्होंने क्या किया, बास्केटबॉल के प्लेयर्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तीन ग्रुप्स में से पहले ग्रुप को एक्चुअल 20 मिनट प्रैक्टिस कराई, दूसरे 20 ग्रुप को उन्होंने केवल विजुलाइजेशन एक्सरसाइज कराई कि आप ऐसा विजुलाइज करो कि आप वो एक्सरसाइज या वो प्रैक्टिस एक्चुअली में कर रहे हो, और तीसरे ग्रुप को उन्होंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कराई, उनको केवल बिठा दिया, रेस्ट दिया. जब उन्होंने दो महीने बाद उनको फिर एनालाइज करके स्पोर्ट्स ग्रुप के अंदर या सामने बुलाया तो उन्होंने देखा कि जो लोग एक्चुअल प्रैक्टिस कर रहे थे और जो लोग प्रॉपर विजुलाइज कर रहे थे कि मेकिंग फ्री थ्रोज बट एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, उन दोनों के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो प्रैक्टिकली सिमिलर था. इतनी इंटेंस विजुलाइजेशन एक्सरसाइजेस उन्हें कराई कि दे वर एबल टू सिमुलेट द सेम थिंग्स इन द सिमिलर वे. तो जब वो क्रिएट हो सकता है, कांट वी क्रिएट एवरीथिंग इन अवर माइंड? आप लोग आज यहां पर बैठे हो, You are sitting here. What makes you come and sit here? Anybody tells me. आप बताओ मुझे, या आप बताओ कि जब आप यहां पर आए तो what was the first step that made you come here? बोलिए, to learn. लेकिन आपने यहां पर आने की क्यों सोच डिसीजन लिया? आप यहां पर आज बैठे हो, the whole system started with what? Started with what? जब आप यहां पर आए तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपके मन ने सोचा कि मुझे यहां पर जाना है. दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि वॉट एवर वी वांट टू क्रिएट आउटसाइड मस्ट फर्स्ट बी क्रिएटेड इन अवर माइंड. इन अवर माइंड. एक ग्रुप के अंदर था, दो बर्न पेशेंट्स को एक ही वार्ड के अंदर साइमल्टेनियसली एक विंडो साइड पे, एक दूसरी विंडो साइड पे लेटा दिया गया विद सिमिलर 50 डिग्री बर्न्स. एक व्यक्ति के अंदर जीने की चाह नहीं थी, एक व्यक्ति जो था उसको देखकर एक्साइट होता था, अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना करता था. विद इन 2 मंथ्स द पर्सन हु वॉज लूजिंग होप, वो व्यक्ति खत्म हो गया, और दूसरा व्यक्ति जिसको ज़्यादा सिवियर बर्न्स थे वो हील होकर बाहर आ गया. पावर ऑफ योर माइंड. Whatever you want to create for yourself, और हम लोग पूरे दिन क्या क्रिएट करते हैं, मैं कर नहीं पाऊंगा, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, पता नहीं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कोई मुझे ऐसा ना कह दे. वी क्रिएट थॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी थ्रू आउट द डे इन अवर माइंड. इफ
इतनी अनसर्टेनिटी हम लोग अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट कर लेंगे, देन हाउ विल वी सक्सीड इन आवर लाइफ. दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि अगर आज आप लोग अपनी जिंदगी में जो भी आपने कोर्स लिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जैसा भी कार्य आप करना चाहते हो, उसके अंदर उसको एक्सेलेंस अचीव करना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. और उस एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए अपने थॉट प्रोसेस को बहुत पॉजिटिव एंड पावरफुल बनाओ, क्रिएट करो. जब एक मूर्तिकार एक मूर्ति की रचना करता है तो उसकी इमेज वो कहां पर क्रिएट करता है? पहले माइंड में क्रिएट करता है, माइंड में क्रिएट करता है. जब ताजमहल बन रहा था तो दो व्यक्ति बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति था वो भी अपना उसके अंदर पत्थर गाड़ रहा था, दूसरा व्यक्ति वो भी पत्थर गाड़ रहा था. तो पहले व्यक्ति से पूछा गया क्या कर रहे हो, तो उसने कहा देखा नहीं मैं ईंटें लगा रहा हूँ. और दूसरे व्यक्ति से पूछा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं ताजमहल बना रहा हूँ. द डिफरेंस इन वॉट यू क्रिएट इन योर माइंड. तो आज दूसरा थॉट जो हम सब लोग यहाँ से लेके जाएंगे कि आज के बाद हम खाएंगे नहीं, हम बीमार हो जाएंगे, हमसे पढ़ाई नहीं होगी, हम फेल हो जाएंगे, हमारे नंबर कम आएंगे, पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा. हमारा थॉट प्रोसेस का लेवल क्या चेंज हो जाएगा? मुझे ही मिलना है, आई हैव टू अचीव दिस थिंग इन माई लाइफ. वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, क्रिएट दिस थिंग इन योर माइंड. परमात्मा कहता है यदि तुम मुझे साथ रखकर उस थॉट को यहां पर क्रिएट करते हो तो उसकी सक्सेस की ब्लेसिंग कौन देता है? मैं तुम्हें ऑटोमेटिकली दे देता हूं. करेंगे या नहीं करेंगे बताइए सभी लोग? करना पड़ेगा. इफ यू क्रिएट दैट लेवल ऑफ एनर्जी, आपकी लाइफ और सुंदर और ब्यूटिफुल होती जाएगी. द थर्ड एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पावर, द पावर टू ट्रांसफॉर्म. You can transform anything in this world. I will show you beautiful Japanese and Indian experiments that have been carried out that have used this power of transformation. Aur us transformation ki power ko fir hum apne jeevan ke andar bhi use karenge. There is a very famous scientist, Dr. Masaru Emoto. Many people must be knowing about this. He has used emotional energies and vibrations that could change the physical structure of water. इन्होंने पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लेके जब एक पानी को बार बार ये फीलिंग दी, ये पानी जो आपके सामने रखा है इसी पानी की मैं बात कर रहा हूं, इस पानी को इन्होंने ये वाइब्रेशंस दी कि यू आर अगली, तुम खराब हो खराब हो, और उस पानी के क्रिस्टलाइजेशन पैटर्न को स्टडी किया तो उस पानी का क्रिस्टल इस प्रकार से अपीयर कर रहा था. लेकिन जब उसी पानी को उन्होंने अपने माइंड से ये पावर देनी चालू की कि आई एम थैंकफुल टू यू, यू आर सो नाइस, यू आर फिनिशिंग माय थर्स्ट, आप मेरे को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो उसी पानी का जो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर था वो बहुत सुंदर क्रिस्टल के फॉर्म के अंदर आ गया. नॉट ओनली दिस, दीज वेरियस इमोशंस ही स्टडीड, द इमोशंस ऑफ थैंक यू, विजडम, ट्रूथ, इटर्नल, एंजल लव, ऑल दीज गेव ब्यूटिफुल डिजाइंस. एंड ऑल दी नेगेटिव इमोशंस लाइक फूल, यू मेक मी सिक, इविल, पॉल्यूटेड वाटर, ये सब इनके जो एनर्जीज थी, इन्होंने वाटर के क्रिस्टलाइजेशन पैटर्न को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया. एंड दैट इज वॉट ही सेड, दैट बाय होल्डिंग इंटेंशन ऑफ पीस टूवर्ड्स वाटर, by holding intention of peace towards water, by thinking, by speaking and by acting with intention of peace towards water, water can and will bring peace to our bodies and world. This is the power of our mind. You can transform anything that you want by giving energies through your mind. When this power was used on food grains, the same rice grains which were used, one rice grain for 1 week was given the energy of hate. Aur dusre food grain ko jab love ki energy di gayi, you see, the one got rotted, the other one was actually growing. It started growing very positively. Similarly, when this mind power was used, all these experiments were randomized and blinded. ये ऐसा नहीं कि सिंगल सेंटर थे, इसको प्रैक्टिकली ब्लाइंड करके इन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया गया. सिमिलरली माइंड पावर का जब उन्होंने नेचर पर यूज किया, सेम लेवल ऑफ प्लांट्स व्हेन गिवन द फीलिंग ऑफ लव, हेट एंड इग्नोर्ड, दे बिहेव्ड एब्सोल्यूटली डिफरेंटली, दे बिहेव्ड एब्सोल्यूटली डिफरेंटली. दिस इज द पावर ऑफ अवर माइंड. Not only this, this mind power was used to control the city crime in Washington. उन्होंने a group of 4,000 meditators in 1993, उन्होंने 6 week की meditation
with the aim to reduce violence by creating a powerful influence on a larger level, उन्होंने ये experiments किए. जब उन्होंने meditative power को use किया Washington के अंदर, there was almost 23% reduction in all cause mortality and homicides, rapes and assaults were decreased by 48% just by emitting powerful transforming vibrations from your mind. Everything is happening in our mind. तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इन वन डे वी हैव 1440 मिनट्स एवरी डे. दैट मींस वी हैव 1440 मिनट्स डिफरेंट टाइम्स वी हैव अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ मोर पॉजिटिव एंड अ पावरफुल इंपैक्ट. क्या उन 1500 या 1440 मिनट में से हम 10 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकते? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, आप बताइए. पॉसिबल. When this is the power of mind, we can create miracles in our life. We can create. तो आज हम तीसरी exercise, तीसरा message जो यहां से लेकर जाएंगे कि आज के बाद जब हम morning में उठें तो Facebook, mobile phone, WhatsApp, status update, अखबार, इन सब चीज़ों को छोड़ के पहले मन के Facebook को on करके हम मन से positive affirmation निकालें कि yes, we have to start our day in a great way. I have opportunities to create a positive and a powerful impact, not only on my life, but also on lives of many other people. Possible or not? Bataiye. Karenge sabhi log? Teesri exercise. Keval do din ke liye kariye. Jab din ki shuruaat, jab pehla pani beej ka itna shreshth jayega, to how will your day automatically go? किस किस को सुन के अच्छा लग रहा है बताइए मुझे. एवरीबडी इज रेजिंग देयर हैंड. अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज आपको सुन के इतनी अच्छी लग रही है, जब आप करेंगे तो कैसी लगेगी आपको? सिंपल रूल ऑफ गेम. अगर हम अपने जीवन के अंदर इन छोटे परिवर्तन को, इफ यू वॉन्ट टू बिकम ग्रेट और ब्रिंग ग्रेटनेस इन टू योर ओन लाइफ एंड लाइव्स ऑफ अदर, आपको कोई बड़ी चीजें नहीं करनी है. ओनली स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशंस इन आवर लाइफ कैन लीड टू बिग चेंजेस. दैट इज व्हाई पेसिमिज्म लीड्स टू वीकनेस एंड ऑप्टिमिज्म लीड्स टू पावर. अगर हम अपने जीवन के अंदर आशावादी नेचर रखें कि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मिक शक्ति हमारे साथ है, मुझे अपने लिए और हर व्यक्ति के लिए जो एनर्जी यहां से रेडिएट होगी, हर व्यक्ति का ऑरा और एनर्जी रेडिएट होगी, वो बहुत पॉजिटिव और पावरफुल रेडिएट करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एटमॉस्फियर ट्रांसफॉर्म होता जाएगा. द एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू एवरीथिंग. एंड लास्ट थिंग इज पावर टू हील. वी आवर माइंड हैज इमेंस पावर टू हील. दिस इज अ मिरेकुलस पावर. यू वुड बी सरप्राइज टू सी एज आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस. अवर माइंड हैज सो पावरफुल इम्यून सिस्टम कि हम किसी भी बीमारी को किसी भी लेवल से उसको हम जीत कर उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं. देयर वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी दैट आई वुड लाइक टू शेयर, दैट डॉक्टर डेविड स्पीलबर्ग इन सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ही कैरिड आउट नाइस एक्सपेरिमेंट्स. ही डिड टू एक्सपेरिमेंट्स. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज इन 1989, ही टुक 86 वुमेन. उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए, उसमें उन्होंने नॉर्मल थेरेपी के साथ साथ माइंड पावर हीलिंग दी 50% फीमेल्स को जिनको कैंसर था. उन्होंने देखा कि जो लेडीज हील करें और जिन्होंने माइंड पावर और मेडिटेटिव पावर को यूज किया, उनका लाइफ स्पैन डबल हो गया नॉर्मल व्यक्तियों से, नॉर्मल कैंसर पेशेंट से. आगे जाके उनको खुद ही ब्लैडर कैंसर से सफर करना पड़ा. जब ब्लैडर कैंसर उनको हुआ तो ही वॉज अबाउट टू गेट ऑपरेटेड, तो उन्होंने कहा कि जो माइंड पावर मैंने दूसरों को सिखाई है, इस माइंड पावर को क्यों नहीं मैं अपने लिए भी यूज करूं. ही यूज दिस मेडिटेटिव पावर फॉर टू मंथ्स. दो महीने के लिए उन्होंने इस माइंड पावर को यूज किया. एंड जस्ट प्री ऑपरेटिवली जब उनकी बायोप्सी दोबारा ली गई, तो प्री ऑपरेटिव बायोप्सी के अंदर जो ब्लैडर कैंसर था, दैट टर्न्ड आउट टू बी नेगेटिव फॉर कैंसर. दिस वॉज सेंट टू 10 इंस्टीट्यूशंस इन US. दिस इज ऑन द रिकॉर्ड्स एंड ही हैड प्रैक्टिकली क्योर्ड कैंसर बाय दिस पर्टिकुलर पावर. मोर सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स वॉज विच इज पब्लिश्ड एज experiments of Dr. Stamatis Moratis. He was a Greek war veteran and he died in an island called Ikari. और ये सुनने वाली बात है.
He was a war veteran and in 1976 he was struggling with lung cancer. Lung cancer, a person is supposed to live maximum for 3 to 6 months at that particular time. तो जब इनको बताया गया कि आपकी लाइफ जो है वो केवल 3 से 6 महीने बची है, ये ग्रीक को बिलोंग करते थे, रह रहे थे अमेरिका के अंदर, तो इन्होंने कहा मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो क्यों नहीं मैं अपनी नेटिव जगह पर जाकर वहीं पर ही अपने प्राण त्यागूँ। क्यों? क्योंकि यूएस में उस समय बरियल का जो खर्चा आता था वो $100 आता था और इनके अपने स्थान पर वो बरियल जो है प्रैक्टिकली फ्री हो जाता था। तो वो अपने नेटिव प्लेस कॉल्ड इकारी वहाँ पर गए क्योंकि फ्यूनरल वुड कॉस्टलेस। ही रिकनेक्टेड विद हिज फेथ, ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग, ही स्टार्टेड बीइंग हैप्पी एंड ही स्टार्टेड ऑन अ नेचुरल वेजिटेरियन डाइट। ना केवल ये, उन्होंने कहा 3 महीने बचे हैं, मेरे पास लैंड बहुत है, मैं यहाँ पर सबके लिए बगीचे लगा देता हूँ ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो अच्छी तरह इनका फ़ायदा उठाएं। 1 महीना बीता 2 महीना बीता, ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर, ही इवन प्लांटेड वेजिटेबल्स इन गार्डन। 1 साल 2 20 साल 25 साल निकल गए एंड ही वॉज ऑलमोस्ट नॉर्मल। दिस वॉज अनबिलीवेबल फॉर हिम। ही अगेन फ्लू बैक टू US in 1995 to see कि इनके कैंसर को हुआ क्या। जिन डॉक्टर्स ने इनको ट्रीट किया था वो उस समय खत्म हो चुके थे, they were already dead. And he came back to his town, he went to US to consult his doctors after 25 years, all were dead and he himself died at the age of 102. And that beautiful place is called as Ikaria and this place is famous as the island where people forget to die. क्योंकि mind power हमारी है, it's all a game of mind power. यही energy हमने अपने ब्रह्मा कुमारीज में भी देखी, हमारी दादी जानकी जिनको हम लोग बड़ी दादी के नाम से जानते हैं, unique power, 102 years of age, a living miracle, most stable mind of the world. हम देखते हैं बीमारियाँ आती हैं, illness आती हैं, उनका word यही होता है मुस्कुराते हुए कि सवेरे IV fluid लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, and शाम को she's sitting there in a powerful meditating session, a game of our mind power. तो क्या अगर ये लोग कर सकते हैं, डोंट वी हैव द पावर टू एक्चुअली हील अवर ओन सेल्फ? यस और नो बताइए। यस, कोई भी चीज अगर आए, अगर हम इस माइंड पावर को यहां पर इनकलकेट करते हैं, वी हैव द पावर टू क्रिएट मिरेकल्स इन आवर लाइफ। मिरेकल्स, वॉट इज साइंटिफिक मेडिटेशन? साइंटिफिक मेडिटेशन इज अ मेडिटेशन विच कम्स विथ अंडरस्टैंडिंग, a meditation which comes with loving and intellectual communion. Do word is ke andar, intellectual that means understanding and loving because it's based on love, it's based on love between two people, two souls, soul and supreme soul. Jab hum is meditation ko apni life ke andar incorporate karte hain, jab is apne dincharya ke andar is meditation ko apna way of life banate hain, our life becomes very smooth, very beautiful and very powerful. Miracles start happening in our life automatically. You don't aim for them, but आपका thought process positive और powerful होने की वजह से हर व्यक्ति के अंदर वो vibes और वो energy create कर देता है। तो क्या ऐसी life अपनी बनाना चाहेंगे या नहीं बनाना चाहेंगे, बताइए मेरे दोस्तों। करना चाहेंगे, तो अगर करना चाहेंगे तो इसके लिए छोटे छोटे changes हमको अपनी life में करने पड़ेंगे। तो आज हमने केवल 4 powers की बात की, 4 beautiful scientifically based powers को हमने यहाँ पर समझा और उसको अपने जीवन में अनुभव भी किया। और जब हम इस अनुभव को कार्य में केवल 2 दिन के लिए भी लगाएंगे तो जो चीज़ 2 दिन आपको अच्छी लगेगी उसको आप आगे करेंगे ऑटोमेटिकली या नहीं करेंगे, बताइए? नेचुरली करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा बस यही मैसेज देकर जा रहा हूँ कि अपने इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि लाइफ इज अ कैनवस विदाउट एन इरेजर। आपने आज जो यहां पर लिख दिया अपने संकल्पों के द्वारा, अपने बोल के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा, बाय योर थॉट्स, बाय योर एक्शंस एंड बाय योर अटरेंस, जो आपने लिख दिया वो डिस्टाइंड हो जाएगा। Use it judiciously and use this power in the best and the most beautiful way in which you can. And you see, your life will become a beautiful place.
आखिरी कुछ बातें एक लाइन सुनाकर आपको मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि एक बार ऐसे ही बहुत सारे लोग एक महात्मा के पास गए और उनसे बोला कि अपने जीवन के अंदर हम परमात्मा को याद करना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर हम लोग खुशी चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, हमको अपने जीवन में कब परिवर्तन करना चाहिए। तो उसने मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि तुम्हें अभी करने की ज़रूरत नहीं, तुम केवल अपने मरने से एक दिन पहले परमात्मा को याद करना, वही बहुत होगा। तो उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया बात है। जब वो जाने लगे तो उनमें से एक व्यक्ति ने मुड़कर उनसे बोला कि पर महात्मा जी हमको ये तो पता ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उन्होंने कहा फिर तुम आज याद करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। तो इफ़ वी हैव टू किंडल द चेंज इन आवर लाइफ, अगर हमको अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा, इफ़ वी हैव टू स्टार्ट द चेंज इन आवर लाइफ, दैट मोमेंट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन टुमारो और आफ्टर द सेशन और इन द इवनिंग, दैट हैज़ टू हैपन नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी पेशेंट हियरिंग। Thank you so much, sir. It was really a very wonderful session and it really benefited all of us. So now it's time for the queries. If any one of you have any kind of query, you may ask, sir. You can have, or we are already running late. I would like them. Wonderful speakers who are sitting, aap unko bhi suna. We can have the questions in the end also, okay? Namaste sir. Sir, aapne mind aur man ki power achhi bataiye, lekin aap ye bataiye ki man ko control kaise kiya ja sakta hai? Ye koi aise koi tech, aisa koi meditation, particular koi meditation aisa ho? Chalo, ek bahut interesting cheez hum log karte hain. Sabhi log karenge mere saath? Ji. Sabhi log karna. Baith jao. बच्चे को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चे को आप जो कहेंगे कि आप मत करो, वो क्या करेगा? वो वही करेगा। अब देखो, मन को कंट्रोल नहीं करना होता, बच्चे को कंट्रोल करने के लिए उसको खिलौना देकर उसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए। अब आप देखो मेडिटेशन किस तरह काम करता है, बड़ी यूनिक पावर है। केवल 10 सेकेंड हम लोग लेंगे और सभी अलर्ट होकर ध्यान से बैठे। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेट अस मूव आउट ऑफ दिस रूम, इस रूम से बाहर निकलिए, अपना अपना बैग उठा लीजिए, इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलिए। जो हॉस्टल में रहते हैं वो अपने हॉस्टल के रूम में जाइए, अपनी गाड़ी में बैठिए, जो लोग अपने घर में रहते हैं या बस में जो जाते हैं वो बस में बैठ जाइए। यू हैव रीच्ड योर होम, आपको अपने घर का या रूम का दरवाज़ा सामने आपके दिख रहा है, उस रूम के अंदर या घर के अंदर चले जाइए, अंदर जाइए, अपने बेडरूम के अंदर जाइए, अपने बेडरूम को देखिए, आपको दिख रहा है, आपकी अलमीरा भी आपको दिख रही है। कम आउट ऑफ दैट रूम, गो टू योर डाइनिंग रूम, किचन, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। जो घर के अंदर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा हैं, उनको हेलो करिए, उनको हेलो कर फिर घर से बाहर निकल आइए, दरवाजे को लॉक कर दीजिए, गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, इंस्टीट्यूट के अंदर फिर आ जाइए, एंटर करिए, इंस्टीट्यूट से उतर कर अपना बैग उठाकर फिर इस हॉल के अंदर आकर बैठ जाइए। कौन कौन गया था अपने घर? सभी लोग गए थे। कौन गया था? आप तो यहाँ बैठे हुए हो, गया कौन था? कौन गया था बताइए? हमारी बुद्धि गई। अब आप सुपरसोनिक जेट भी लगा लो, आपको बेस्ट रास्ता भी मिल जाए, क्या इससे तेज जा सकता है या नहीं जा सकता वो? दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एवरी डे। मेडिटेशन इज नॉट अ मैजिकल फिनोमेना, मेडिटेशन इज अ ट्रेनिंग फिनोमेना। और उसको आप कहोगे कि हम थॉटलेस स्टेज, कई लोग बोल रहे थे मुझे कि हम थॉटलेस चला जाते हैं। थॉटलेस सोचना भी, ये भी अपने आप में एक थॉट कहलाता है, ये सोचना भी अपने आप में एक विचार होता है। तो मेडिटेशन जो होता है वो थॉटलेस स्टेज नहीं होती, मेडिटेशन एक नदी की तरह है, एक रिवर की तरह है, जहाँ आप थॉट्स को ब्रेक नहीं लगाते, उन थॉट्स को एंकरेज करते हो, लेकिन उनकी क्वालिटी को नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर आप लोग बदल देते हो। और परमात्मा यही कहता है कि थॉट्स को आने दीजिए, लेकिन उनकी विचारधारा, अपने चिंतन को विचारधारा